छोटे वाहनों और पिकअप वैन्स खरीदने के लिए फाइनेंस देने का काम करने वाली कंपनी का शेयर आज 8% से अधिक टूट चुका है। शेयर 690 रुपए से गिरकर 630 रुपए पर आ गया है। अब क्यों आई शेयर में एक तरफा बिकवाली और क्या है इसका नाम, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। सबसे पहले शेयर का नाम क्या है ये जान लीजिए। हम बात कर रहे हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की। स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा मर्जर होने वाला है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी फिनकेयर SFB AU स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी AU SFB में विलय के लिए तैयार है। अब कब होगा मर्जर ये भी जान लीजिए। मर्जर 1 फरवरी 2024 से लागू हो जाएगा। इस बात की जानकारी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक्सचेंज को भी दे दी है। इस मर्जर के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि विलय से शेयर होल्डर्स का क्या होगा, तो चलिए आपके इस सवाल का भी जवाब देने की कोशिश करते हैं। इस विलय के बाद फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर होल्डर्स को हर 2000 शेयरों के बदले AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के 579 शेयर मिलेंगे। बता दें इस विलय को अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की मंजूरी मिलना बाकी है। इस विलय से बैंक को क्या फायदा होगा ये भी जान लीजिए। दोनों बैंकों के विलय से कई मोर्चों पर फायदा पहुंचेगा। इसमें शाखा नेटवर्क, प्रोडक्ट ऑफरिंग और कस्टमर सेगमेंट जैसे एरिया शामिल हैं। इसके अलावा भी कुछ और फायदे होंगे, जैसे कि पूरे देश में फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन, माइक्रो फाइनेंस में एंट्री से पोर्टफोलियो में विस्तार होगा और क्रॉस सेलिंग के चलते फंडिंग लागत में कमी आएगी। बता दें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में जिस फिनकेयर SFB का विलय होगा उसका IPO भी आने वाला है। अब IPO के डिटेल से भी रूबरू हो जाइए। मई में बैंक ने IPO के लिए SEBI को अर्जी यानी DRHP दी थी, जिसे पिछले महीने ही मंजूरी मिल गई है। IPO के जरिए स्मॉल फाइनेंस बैंक नए शेयर जारी करके 624 करोड़ रुपए जुटाना चाहता है। इसके साथ ही 1.7 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल भी जारी होगा, जिसमें प्रमोटर फिनकेयर बैंक सर्विसेज लिमिटेड, वैगनर लिमिटेड, ट्रू नॉर्थ कैपिटल, मॉरिसस स्थित फंड हाउस इंडियम और दूसरे कई लोग अपने शेयर बेचेंगे। अब जिस बैंक की इतनी चर्चा हो रही है उसके बारे में भी जान लीजिए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO संजय अग्रवाल हैं। 25 साल के संजय के पास जब कोई पूंजी नहीं थी तो उन्होंने कुछ स्थानीय बिजनेसमैन को अपनी फाइनेंस कंपनी में निवेश करने के लिए मनाया। इस तरह छोटी सी पूंजी से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की नींव रखी गई। शुरुआत में उन्होंने छोटे वाहनों और पिकअप आदि को फाइनेंस करना शुरू किया, जिस पर वे काफी ब्याज लेते थे। बिजनेस बढ़ा तो ट्रक और ग्रेनाइट फैक्ट्री को भी कर्ज बांटा। साल 2000 में उन्होंने फाइनेंस बिजनेस को और बढ़ाने की ठानी। संजय को साल 2002 में अपने बिजनेस को बढ़ाने का बड़ा मौका मिला, जब HDFC बैंक के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया। इसके बाद साल 2009 में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से उन्हें बड़ी फंडिंग भी हासिल हुई। 20 साल के संघर्ष और जुनून के सहारे अपनी कंपनी को चलाते रहने के बाद आखिर साल 2017 में उनकी कंपनी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदल गई। इस बैंक का मुख्यालय जयपुर में है और देश भर में इसकी 1000 से अधिक ब्रांचेस हैं। अभी तक बैंक से करीब 30 लाख कस्टमर्स जुड़ चुके हैं। अब जाते जाते AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है ये भी जान लीजिए। अभी ये शेयर 7% से अधिक की गिरावट के साथ 640 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में शेयर 9% से अधिक टूट चुका है। 6 महीने में शेयर 6% गिर गया है। वहीं 1 साल में इसने निवेशकों को 9% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब हमने आपको इस शेयर से जुड़ी तमाम बातों से आपको अपडेट कर दिया। अगर आपको इस शेयर में किसी भी तरह का पोजीशन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूले। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर। बिस्तर आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तर के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।